तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर नहीं से यहाँ पर आएंगे किला जो यहाँ पर है, इतनी दूर से सीवर लाइन मंजूर हो रही है, देख लो आप कहीं पर तो गांव के साथ अटैच तो कम से कम सीवर लाइन है जो। नमस्कार, सिरसा तेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रमोद और वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर याज के साथ इस समय मौजूद हूं गांव पन्नीवाला मोटा में, और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है और आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं, चूँकि इसी पिछले साल डी प्लान के तहत पन्नीवाला मोटा गाँव के किसान को ग्रांट जारी की गई। दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि इसमें हम सीवरेज का जो पानी है वो इसी खरीफ चैनल में डालेंगे और उसके बाद इसी जो खरीफ चैनल से दोबारा इस किसानों को देंगे पानी। चूंकि ये मामला जब इसकी शिकायत हुई पूरा हुआ विवादित, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें कड़ा संज्ञान लिया। जिस किसान के खेत में पाइपलाइन डाली जा रही थी उस किसान के खिलाफ जो है थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। हालांकि पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो एक जाँच जारी है। एक गाँव की सीवर लाइन दिखाई दी है जिसकी लगभग 20 किला दूर दिखा रहा है कि बात सीवर लाइन जी, अगर सीवर लाइन अगर पानी निकलेगी जी तो गांव की फिर नहीं अटैच तो जरूर होगी जी, 20 किला आगू अटैच को नहीं हो कभी भी। अगर जैसे सिरसा पानी निकालना है तो खारे कहाँ से पाइपलाइन नहीं डलेगी जी, सिरसा के अंदर से डलेगी तभी सीवर लाइन का पानी बाहर निकलेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव पन्नीवाला मोटा के हफेड़ के गोदाम के पास और मैं आपको सड़क दिखा रहा हूं जहां से ये पाइपलाइन गुजरनी है। जो पाइपलाइन की बात मैंने आपको पहले बताई थी कि ये 9,95,000 रुपये की डी प्लान के तहत एक पाइपलाइन डाली जा रही है, और किसानों का आरोप है कि किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार की मिली भक्ति से कुछ अधिकारियों ने मिली भक्ति करके इस पूरी जो पाइपलाइन है इस मामले को अंजाम दिया। ये तमाम जो किसान इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, जो शिकायतकर्ता भी हैं, इस पूरे मामले की जानकारी देने वाले हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं किसान धर्मपाल, जिन्होंने शिकायतकर्ता हैं इस पूरे मामले को लेकर के, वो बताएँगे कि किस तरीके की पूरा मामला है। ये क्या मामला है धर्मपाल जी? ये जी, ये पाइपलाइन डी प्लान के तहत पैसे मंजूर करा के ग्राम पंचायत ने ये डलवा रहे हैं जी, एक किसान के लिए। उनका बोर है जी 5 नंबर किले से है और इधर दूसरा खेत भी उनका ही है, और वो मतलब पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी पैसे का। और वो मतलब उसके बाद में जी उन्होंने पंचायत के मतलब रेजुलेशन फ्लड वो गाँव का गंदा पानी उठाने के लिए वो वैसे डाल दिया जी, उसका रेजुलेशन मतलब गंदे पानी का दे दिया और पानी ले जा रहे हैं अपने ट्यूबवेल का और घग्गर का जो पानी आएगा उसके लिए ले जा रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? अनिल। तो इस क्या है पूरा मामला, ये क्या आप आरोप लगा रहे हैं इसमें? जो सरकार का जितना पैसा है 9,95,000 रुपए की जो ग्रांट मंजूर हुई है, वो पैसा सिर्फ एक निजी स्वार्थ एक आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत और डी प्लान अधिकारियों की मिली भगत से सरकार के जो पैसे का दुरुपयोग, हम तो उसकी इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं। हम हर डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन लगा चुके, हम डीसी महोदय एसपी सब हर जगह है, पूरे डिपार्टमेंट ऊपर तक अवगत करा दिया गया, लेकिन फिर भी हमारी कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर इसमें हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें तो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये जो पाइपलाइन है सिर्फ एक आदमी के निजी स्वार्थ के लिए बनाई गई है, जिसमें वर्क नेम जो दिया गया उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके खेत नज़दीक नहीं है। तो ये किस हिसाब से दी गई है, प्रशासन इसको किस हिसाब से दे रहा है पैसे? अगर ऐसे दे रहे हैं तो कोई, या तो बहुत जमींदार है, सबको एक एक दे दें। प्रमोद है जी मेरा नाम। तो ये क्या है, मामला क्या है पूरा? ये सारा 2 नंबर का मामला है जी, घोटाला। और जो ये पाइपलाइन जो गांव से चली हुई है जी, वहाँ से ये लगभग 20 एकड़ आगे है और गांव का सीवर लाइन का पानी दिखाया जा रहा है। तो सीवर लाइन का पानी कोई वहाँ की उस किले के अंदर पैदा तो नहीं होता जी। और जो पाइपलाइन वो बोल रहे हैं हमारे खेत तबाह होते हैं और गांव के पानी से आके यहाँ पर नुकसान होता है। तो अगर खेत का नुकसान हो तो उसी किले के अंदर वो पाइपलाइन है, उसी किले के अंदर वो रत्ताखेड़ा चैनल है। तो इसको 22 एकड़ आगे ले आकर डालने वाले क्या तुक वाली बात है जी? ये तो लगभग 2 नंबर का काम है जी, ये रुपए खाने की कोशिश कर रहे हैं पंचायत का और कुछ नहीं। सर, आपकी जमीन है पड़ती है जो आपने कहा ये बंद करा? हाँ जी, आज जमीन मेरी है जी, माने कोई मार्कनो एफिडेविट कौन लियो और ना माने कोई अठे साइफन है या जी नक्को कौन दियो है, क्योंकि आज की पाइपलाइन है किसानों ने फायदा उठाने, किसान है जगह किसानों ने सारा फायदा होना चाहिए यही खातर है। पर मैं भी अठे का ही किसान हाँ, मारे बिल्कुल नज़दीक हूँ, मारे सार के टप्पण लाग रही है और माने कोई पानी खातर कोई नक्को या साइफन वगैरह कुछ भी कौन दियो गए जी। नमस्कार, मैं इंद्रपाल हूँ जी, पन्नीवाला मोटा से जी।
ये पूरा मामला, ये पैसे पैसे जो रिलीज हुए हैं नारायणी देवी आत्माराम के खेत से रिलीज हुए हैं। हमने एडीसी साहब को अवगत कराया, एडीसी साहब ने हमें ये भी कहा कि ये काम लीगल गलत तरीके से हो रहा है, इसकी एमबी नहीं भरी गई है, मैंने जेई और एसडीओ से लिखित में ले लिया है और इसका इरीगेशन डिपार्टमेंट में हमने अवगत कराया तो उन्होंने जाके वो ओडान थाना में सिटी ओडान थाना में वो एप्लीकेशन पर्चा कटवाया उनके खिलाफ और पुलिस वहाँ मौके पर जायजा करने आई तो पुलिस दोषी के घर पर आई तो उन्होंने पुलिस के आने के बाद हड़बड़ाहट में विक्रम सिंह और ओम प्रकाश के घर में जाके मारपीट करनी शुरू कर दी, उनके क्याड़ों पे घर में घुस के डंडे मारने शुरू कर दिए, उनको गाली गलौच दी और मारने की धमकी दे रहे हैं और वो केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। और इस मामले की कार्रवाई हमने 13 तारीख को डीसी दफ्तर में भी एडीसी साहब को भी अवगत करवाया है और ओडा भी करवाया है पर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये धाराएं इनके लगी हुई हैं और एफआईआर कॉपी है। हाँ, हाँ ये उसकी धाराएं हैं जी जो लगी है, एफआईआर कॉपी अंदर है तो ये पाइपलाइन वहाँ से डाल के ये 9,95,000 का घोटाला नहीं है, 9,95,000 का एक किस्त में लेके अगली किस्त का भी इन्होंने ब्यौरा दे रखा है। ये 35-40 एकड़ की पाइपलाइन है, एक किसान के लिए डाल रहे हैं, कोई किसानों को इनको फायदा नहीं है, कोई किसानों को इनके पानी लगने वाला नहीं है, एक किसान के लिए अपने बोर और पीछे से मुड़ से जुड़ने के लिए, पीछे से जुड़ जाएंगे नाली में किसानों के अनेक पंखे पीछे से वो हट जाएंगे, वहाँ से उनको पानी ज़्यादा मिलेगा, ये मामला है। हमने बहुत से सारे डिपार्टमेंट में लगा रखी है एप्लीकेशन, कोई सुनाई नहीं है, सारी मिली भगत है। मेरा नाम सतवीर कुमार कसवा है, पनीवाड़ा मोटा से सरपंच। ये मामला कुछ नहीं है, इसमें डी प्लान में गांव के लोगों ने विधायक जी से मांग की थी कि हमारे यहाँ खेतों में पानी भर जाता है और पिछले दिनों ही बारिश हुई थी काफ़ी, आज से पिछले साल 7-8 महीने में तो 50 अंगुल के करीब में आया था बारिश आई थी तो उसका बारिश काफ़ी खेतों में जमा हो गया था पानी, तो उसके निकालने के लिए विधायक से मांग की थी गांव के लोगों ने, तो विधायक जी ने अपना जो भी रिकमेंडेड करके प्रस्ताव उसके पास भेज दिया एडीसी विभाग के पास, यहां से डी प्लान से पैसा जारी हो गया। उसके बाद हमने वहां से वो पाइप लैंड रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल है वहाँ से कुछ किसानों से मांग पत्र प्रार्थना पत्र जो भी है लेके उसका पूरा काम शुरू कर दिया प्रांकलन बनाने के पश्चात। उसके बाद कुछ लोग जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे उन्होंने राजनीतिक मंशा पाले हुए गांव का नाम बदनाम करने के लिए या सरपंच का नाम बदनाम करने के लिए ये सारा कार्य है उन्होंने रुकवा दिया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये मामला डाल दिया, उसमें कोर्ट में हम जवाब दे रहे हैं। तो ये सिंचाई विभाग ने भी किसान के खिलाफ कार्रवाई करी है? नहीं, सिंचाई विभाग को गुमराह किया गया था जी, अभी तक उस पाइप का उस चैनल के साथ कोई लिंक नहीं हुआ है और हमने भी ये बात उन्होंने आरटीआई मांगी हुई है उसमें यही जवाब देना है कि जो भी है आरटीआई मांगी उसमें जवाब दे देंगे उस बात का, यही उन्होंने मांगी है भी इसका लिंक किया है या नहीं किया है या अनुमति ली है या नहीं ली है उसका जवाब हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। जांच चल रही है उसमें कि पाइपलाइन है उसमें कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी से काम कराया जा रहा है उसके लिए जाँच हमने अच्छे से अधिकारी हैं सीओ जिला परिषद और पीओडीपी हैं उनके हमने जाँच कमेटी बनाई है तो एसडीओ की तरफ से जो हमारे एस्टिमेट आए स्थानीय विधायक हैं उनकी रिकमेंडेशन थी डी प्लान ने अप्रूव किए थे उसके तहत हमने पैसे जारी किए उसी जो कोई शिकायत आई हमने जांच बैठा जांच है जांच रिपोर्ट में आ जाएगा तो दैट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड नहीं तो जांच अधिकारी सारे देखेंगे जो दोषी हो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।